हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आधार कार्ड लिमिट क्रॉस न्यू अपडेट आ चुका है दोस्तों। अगर जो है आप रीजनल ऑफिस जा जाके थक चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जो है ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो प्रोसेस अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपका 4 से 5 दिनों के अंदर में जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट करा के मैं दे दूंगा दोस्तों। वो चाहे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिमिट क्रॉस हो, ठीक है, तो वो अपडेट हो जाएगा बिल्कुल जो है घर बैठे। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीएससी सेंटर वाले हैं तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद से बहुत फायदा होने वाला है। आपके पास जितना भी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का डाटा आता होगा, ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है, तो आपको मैं आपको बता सकता हूं कि आप हमसे कांटेक्ट करके जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट करा सकते हैं मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर में दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कि जिन भाई लोग का जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस यानी अर्जेंट है, लिमिट क्रॉस तो सबका है, लेकिन जिनका कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है, ठीक है, वो रीजनल ऑफिस जो है 4 से 5 बार जा चुके हैं लेकिन वहां पर कोई सुनवाई जो है नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट करके, ठीक है, अपडेट करा सकते हो। हमसे कैसे कांटेक्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है, और कितना पैसा लगेगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है फाइनली बता दूंगा। अगर आप ऑफिस पे विजिट भी करना चाहते हो तो आपको कहाँ आना पड़ेगा ये भी इस वीडियो में ही बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देख लो और जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट को उसको अर्जेंट में अपडेट करा लो दोस्तों, ठीक है। हमारे पास जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर में जो है अपडेट हो जा रहा है दोस्तों। वो चाहे आप मार्कशीट से कराना चाहें या आप चाहें जो है बर्थ सर्टिफिकेट से कराना चाहें, आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस जो है अपडेट हो जाएगा दोस्तों। सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर आपका जो है एनरोलमेंट रिजेक्ट हो चुका है, 2 से 4 महीना पुराना हो चुका है, फिर भी आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट करा दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए, अगर लिमिट क्रॉस है, आप चाहें बिहार से हैं या यूपी से हैं या आप झारखंड से हैं, ठीक है, या आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। ये सभी स्टेटों के लिए जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए जो है सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, और सेम डॉक्यूमेंट देना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहें जो है मार्कशीट से अपडेट कराना तो मार्कशीट से भी अपडेट करा दिया जाएगा, या आप चाहते हैं जो है डेट ऑफ बर्थ से कराना अपडेट तो उससे भी करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मार्कशीट से कैसे अपडेट होगा, तो देखो मार्कशीट से अपडेट करने का हम लोग के पास तरीका है, ठीक है, वो हम लोग जो है अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। आपको बस काम से मतलब होना चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर किसी से भी अपडेट करवाना है तो वो अपडेट हो जाएगा। देखो, हम लोग मेल से जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट नहीं कराते हैं, दूसरे तरीके से अपडेट कराते हैं अर्जेंट में, ठीक है। तो अगर आप मेल के जरिए अपडेट कराना चाहते हैं तो आप जो है मेल वाली हमारे YouTube चैनल पे वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाके देख लीजिए। आपका जो है मेल करने के बाद से जो है 90 दिनों के अंदर में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो जो है सिर्फ अर्जेंट वालों के लिए है। अभी देखो गाइस, मैं बता दूं आप लोगों को कि 22 तारीख को जो है आर्मी का भी फॉर्म भरने वाले थे, बहुत सारे लड़कों का जो है लिमिट क्रॉस अपडेट हो चुका था और उसके वजह से उनका आर्मी का फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, या वो गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है, ठीक है, या उनको एडमिशन चाहिए, ठीक है, या पीएफ का काम वगैरह, बहुत सारे ऐसी जो है सरकारी काम जो है आधार कार्ड के बिना जो है नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपने जो है पैन कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, आपके आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आपको सेम करना है फिर भी लिमिट क्रॉस हो गया है, तो ऐसे में आदमी ये सोचता है कि हम करें तो करें क्या, ठीक है, मतलब परेशान हो जाते हैं लोग। रीजनल ऑफिस जा जाके एसडीएम से ऑर्डर लेना, बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा के फिर बनवाना, सब चीज प्रोसेस करके लोग थक चुके हैं। देखता हूँ मेरे पास हर चीज भेजते हैं लोग कि मैंने एसडीएम ऑर्डर भी ले लिया, बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल भी करा दिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भाई उसका सोल्यूशन ही मेरे पास है, ठीक है। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मैं बता दूं कि भाई पैसा तो लगेगा लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस 101% की गारंटी के साथ करा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, उसके लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, इनरोलमेंट स्लिप देना है, अगर आपके पास डेमोग्राफिक इनरोलमेंट स्लिप है, या आपके पास मार्कशीट मतलब या आपके पास जो है
बायोमेट्रिक ही स्लिप है, उसमें डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया हुआ है ठीक है, वो भी चलेगा। या आपके पास डेमोग्राफिक नॉर्मल जो है स्लिप है वो भी है जो कस्टमर के पास, तो वो भी चलेगा दोस्तों ठीक है। आपको इनरोलमेंट स्लिप, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, या आपका इनरोलमेंट स्लिप, मार्कशीट और आधार कार्ड, ये आपको जो है अर्जेंट में अगर करवाना है तो, अगर अर्जेंट में नहीं करवाना है, मेल के जरिए करवाना है, तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट स्लिप और आधार कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जो है उस जो इनरोलमेंट कराएंगे उसमें जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच करवा के इनरोलमेंट कराना होता है। तो जरूरी नहीं है अर्जेंट वाले में कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है या बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, आप किसी भी से भी जो है मतलब इनरोलमेंट करा के भेज देते हैं या हाफ पर्ची हमें भी कटवा के भेज देते हैं तो आप लोग का काम करवा दिया जाएगा गाइस ठीक है। उसके लिए पेमेंट लगता है, ये पेमेंट कितना लगता है ठीक है ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इतना जो है हमें जो है आपको पीडीएफ बना के भेजना है। पीडीएफ बनाने के बाद से जो गाइस डाटा लगने के 6 से 7 दिनों के अंदर में जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस या नेम लिमिट क्रॉस या जेंडर लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा ठीक है। तो वो जो है अपडेट हम जैसे होगा वैसे जो है आप लोग को बता दिया जाएगा। जो भी आपका लिमिट क्रॉस दिखाता है जब स्टेटस चेक करते हैं तो जब आपका काम होगा तो वो प्रोसेस में आएगी, फिर उसी इनरोलमेंट स्लिप से जो है जनरेट करा दिया जाता है दोस्तों ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि कैसे करोगे, क्या करोगे, तो भाई देखो हम लोग जो भी करेंगे अपने तरीके से करते हैं, काम हो जाता है ठीक है। आपको बस कराने से मतलब है, काम 101% की गारंटी के साथ होएगा ठीक है। तो बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, अगर सवाल जवाब करना है या आप ये चाहते हो कि अगर हमारा पैसा फंस गया तो क्या होगा, फिर अपडेट नहीं होगा, मार्कशीट से कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोग ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ठीक है। आप जो है ये वीडियो एंड तक देखो, लास्ट में मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप आप मुझे मैसेज करके एड्रेस ले सकते हो, पेमेंट डॉक्यूमेंट लेके आप हमसे मिलके अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को अपडेट करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमारे पास आ रहे हैं, लिमिट क्रॉस अपडेट करवा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का जो है लिमिट क्रॉस अपडेट हो चुका है ठीक है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है घर बैठे ही भेज देना है ठीक है, और आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, विदाउट पेमेंट किसी का डाटा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग मैसेज करें कि भाई मेरा पहले करा दो फिर उसके बाद कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों ठीक है। अगर कराना है तो ठीक है, नहीं तो मत कराइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने काम करा दिया उसके बाद से जो है पेमेंट नहीं देते हैं लोग, मैसेज ही नहीं रिप्लाई करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे किसको ढूंढने दोस्तों ठीक है। तो इसके वजह से जो है बिना पेमेंट के वजह से काम नहीं होता है ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट भी भेज देते हो, पेमेंट नहीं भेजते हो, तो आपका काम नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, करवाना है तो अपना डॉक्यूमेंट, अगर पेमेंट भेजो ठीक है, और आप लोगों का काम 100% हो जाएगा दोस्तों ठीक है।